हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है राजा और मूर्ख बंदर की कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक राजा के पास पालतू बंदर था। राजा उस बंदर पर बहुत विश्वास करता था क्योंकि वह बंदर राजा का भक्त था। बंदर राजा की पूरे मन से सेवा करता था, लेकिन बंदर बिल्कुल मूर्ख था। उसे कोई भी काम ठीक से समझ में नहीं आता था। राजा जब विश्राम करता था, बंदर उसकी सेवा के लिए हाजिर हो जाता था, उसके लिए हाथ से पंखा चलाता था। एक दिन की बात है, जब राजा सो रहा था और बंदर उसके लिए पंखा चला रहा था, तभी एक मक्खी आई और वह भिनभिनाने लगी। बंदर उस मक्खी को पंखे से बार बार भगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मक्खी उड़कर कभी राजा की छाती पर और कभी सिर पर बैठ जाती। मूर्ख बंदर काफ़ी समय तक ऐसे ही मक्खी को भगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मक्खी वहां से जाने का नाम भी नहीं ले रही थी। ये देख बंदर को क्रोध आ गया और वह पंखा छोड़कर हाथ में तलवार ले लेता है। जब मक्खी राजा के सर पर बैठती है, तो बंदर तलवार लेकर राजा की छाती पर चढ़ जाता है। ये देख राजा खुद डर जाता है। फिर मक्खी माथे से उड़ जाती है, तो बंदर उसे मारने के लिए हवा में तलवार चलाता है। उसके बाद मक्खी राजा के सिर पर जाकर बैठ जाती है, तो बंदर के तलवार से राजा के बाल कट जाते हैं। जब मक्खी मूंछ पर बैठती है, तो राजा की मूंछ कट जाती है। देख राजा कमरे से जान बचाकर भागता है और बंदर तलवार लेकर उसके पीछे भागा है। इससे पूरे महल में उथल मच जाती है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी मूर्ख को ऐसा काम न सौंपे जो बाद में आपके लिए ही खतरा उत्पन्न कर दे।